नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 0 से 6 मंथ के बच्चों का वजन किस प्रकार बढ़ा सकते हैं और उनका सही वजन क्या होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि 0 से 6 मंथ के बच्चे का सही वजन क्या होना चाहिए। तो देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है, तो उस समय जितना भी बच्चे का वेट होता है उसका जो है 2 गुना वजन बढ़ जाता है आगे के 6 महीने में, बल्कि उससे थोड़ा और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे का वजन जो है जन्म के समय 3 किलो था, तो आपके बच्चे का वजन अगर जन्म के समय 3 किलो था, तो उसके बाद आपके बच्चे का अगले 3 महीने में वजन जो होगा, जो बर्थ का वजन है उसका जो है 0.5 kg और एक्स्ट्रा बढ़ चुका होगा। मतलब अब आपके बच्चे का वजन जो होगा 4.5 किलो हो गया होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते जब आपके बच्चे का वजन जब आपके बच्चा 6 महीने का होगा, तो आपके बच्चे के वजन का बर्थ के समय जो उसका वजन होगा उसका 2 गुना बढ़ जाएगा। मतलब आपके बच्चे का वजन 6 किलो या इससे अब भी हो सकता है। मतलब जितना भी आपके बच्चे का जन्म के समय वजन था उसका जो है 2 गुना वजन आगे बढ़ जाता है। तो ये तो हो गई वजन की बात। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि बच्चों को हम लोग क्या दें, ऐसा क्या दें जिससे कि बच्चे का जो 0 से 6 मंथ के बच्चे हैं उनका वजन बढ़ सके। तो चलिए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। 6 मंथ के बच्चे का वजन बढ़ाना होता है तो यहाँ बात आ जाती है माँ के ऊपर। यहाँ पे देखिए, हम अपने बच्चा इतना छोटा है कि उसको अपने बच्चे को कुछ भी बाहर का एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, उसको सिर्फ मदर फीडिंग की ही ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे माँ को क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि उसके बच्चे का वजन बढ़ जाए, और माँ को ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे कि उसके बच्चे का जो वजन है उसका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि बच्चे को माँ को जो है ड्राई फ्रूट जरूर से ज़रूर खाने चाहिए जन्म के बाद बच्चे के। अब ड्राई फ्रूट कैसे लेने चाहिए, या तो माँ ऐसे ही ड्राई फ्रूट खा ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या माँ जो है आटे के लड्डू बनवा ले, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के अच्छे से वो सब भी खा सकती हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा माँ को जो है सबसे अधिक अधिक मात्रा में थोड़ा गुड़ भी खाना चाहिए जिससे कि उसके शरीर में जो है वो ब्लड की जो कमी है वो पूरी हो सके। इसी के साथ साथ माँ को जो है दूध भी ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, जो पीना चाहिए, और साथ में फल भी वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ये सब चीज़ें खा रही हैं तो आपको अपने बच्चे को भी जो है फीडिंग करानी ही है। आपको बच्चे को दिन में कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बीच में उसको फीडिंग करानी है। अगर आपका बच्चा अधिक से अधिक सोता है तो भी आपको आपके बच्चे को जगाना है, उसको नॉर्मली दूध देना है, और कम से कम 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट उसको नॉर्मली, ताकि उसका पेट अच्छे से भर जाए, इतनी फीडिंग उसको करानी है। और ये आपको 2 घंटे के अंतराल में हमेशा करानी है जिससे कि आपके बच्चे का जो वजन है वो बढ़ सके। ये बात उन लोगों के लिए ज़्यादा लागू होती है जिनके बच्चों का वजन कम है, या जन्म के समय जो बच्चों का वजन है वो 2.5 किलो से कम था, तो उनको ये विशेष करके बात ये ध्यान रखनी है। और नॉर्मली भी जो माताएं हैं उनको भी ये बातों का ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ माँ को एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अपने बच्चे के स्वास्थ्य का और अपने हाजमे का। मतलब कैसे कि बच्चे का भी हाजमा ठीक रहे। जब आप इन सारी चीज़ें खाएंगे तो हो सकता है बच्चे को भी अनडाइजेस्टिंग फील हो आपके दूध के साथ में और आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नॉर्मली एक क्या करना है, हींग लेनी है। कौन सी, साबुत हींग। साबुत हींग को आपको क्या करना है, पिसी हुई हींग लेनी है, साबुत हींग लेनी है, उसकी छोटी छोटी गोलियां टाइप में जो होती हैं उनको तोड़ लेना है, और इकट्ठी या फिर एक एक करके नहीं, थोड़ी ज़्यादा करके आप भूंज के उनको रख लीजिए किसी डिब्बी में, और पर डे दूध के साथ या किसी पानी पानी के साथ में आप उसको जैसे टैबलेट लेते हैं उस तरीके से ले लीजिए, जिससे कि आपके बच्चे का जो गैस है वो भी पास हो सके और आपकी भी गैस अच्छे से पास हो सके, और आपका और बच्चे का जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो ठीक रहे। ये नॉर्मली एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके बच्चे के और आपके लिए डाइजेस्टिंग सिस्टम करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें अभी कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना आपने, बिल्कुल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।